तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? वैसे भी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कोई होनोलुलु नहीं। अब एक प्यारी सी हग दो और मुझे जाने दो। पर जल्दी आना। 100% प्रॉमिस। बाय, सी यू। चले जाइए, ये ठीक नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तुम डिसाइड करोगे अभी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। लेकिन मैं दे दूंगा क्लैरिफिकेशन, और वो भी पंकज को। देखो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर पंकज, उसे कुछ मत बताना, अगर बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'll show my true colors, okay? Understand? अरे पंकज, thank God, तुम्हारा जिक्र किया और तुम आ गए। Actually मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। Actually वो पेमेंट के सिलसिले में खन्ना से नहीं, ओबरा से बात करनी थी, और पहुंचने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर, चलता हूँ। भाभी जी, क्या हुआ? अरे मेरी एक इंपॉर्टेंट फाइल मिस हो गई। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटका के बैंगलोर शहर की एक दिल दहला देने वाली वारदात। बैंगलोर में रहने वाले दंपत्ति कनिका और पंकज एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन पंकज, जो कि किसी काम से हैदराबाद जा रहा था, अचानक रास्ते से वापस लौट आया और उसने अपने बॉस आनंद को अपने घर पर देखा। आनंद पंकज के सामने तो शराफत से पेश आया, पर कुछ पल पहले उसका व्यवहार कनिका के साथ बहुत ही अलग किस्म का था, संदेहजनक था। कनिका अपने पति के सामने कुछ नहीं कहती और बस कुछ वक्त बाद अचानक आनंद की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आखिर वो कौन सा राज था जो आनंद की मौत के साथ खत्म हो गया, आइए देखते हैं। ये क्या है, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, क्या बना रही हो? गंदी स्मेल? ये कोफ्ते की खुशबू होती है, तुम्हारी तो ना नाक ही खराब हो गई है। रियली? लेकिन तुम कोफ्ता क्यों बना रही हो? पंकज, I'll kill you now, okay? मैं वीकेंड वाले दिन सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, इसलिए कि तुम्हारे बॉस लंच पे आ रहे हैं और तुम बोल रहे हो कोफ्ते क्यों बना रही है। Okay, I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था, और वैसे भी बॉस को लंच पे बुलाने का आइडिया तुम्हारा था। बॉस खुश होगा, शाबाशी देगा, प्रमोशन देगा। हाँ, अब आटा गूंदा है तो पापड़ भी बना लो। पापड़? I know, चीप था, बट ये जोक था। तुम ना भाग जाओ, मुझे काम करने। अरे मैं हेल्प करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, भाग जाओ। चलो। अरे कन्नू, मैं हेल्प करता हूँ। सर थोड़ा और लीजिए ना प्लीज। सर थोड़ा सा। नो थैंक्स यू। बहुत अच्छी है सर। नहीं रजत, बहुत खा लिया मैंने। क्या बात है? मजा आ गया। लवली फूड। अच्छा लगा सर। पंकज ने बनाया है। भाई पंकज, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतने अच्छे कुक हो। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, she's just kidding. Actually, ये सारा खाना हमने रेस्टोरेंट से मंगवाया। पंकज, I'll kill you. मैं सुबह से किचन में मेहनत। Okay. I'm sorry, sir. All credit goes to my wife. Actually, ये सारा खाना इसी ने बनाया, और इनफैक्ट आपको इनवाइट करने का आइडिया भी इसी का था। वाह भाई पंकज, यू डैम लकी। स्वाद और श्रृंगार दोनों एक साथ। ब्यूटी। और जहां तक इनविटेशन का सवाल है, तुम्हारा कैलिबर और कुकिंग दोनों में अच्छी तरह जानता हूं। क्या सर, अब वाइफ के सामने तो इंसल्ट मत कीजिए। यस सर, ही इज राइट। आप अपने इतने लॉयल एम्प्लॉय से ऐसे नहीं बोल सकते। ओह या, लॉयल। ए, जोक्स अपार्ट, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। <laughs>
क्यों बंसल? जी जी सर, खाना पसंद नहीं है। अबे नहीं सर, नहीं। आई मीन बहुत अच्छा बना सर। अब कनिका जी ने इतने प्यार से बनाया है तो अच्छा तो बनेगा ही। लो जी, एक और कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। थैंक यू सर। थोड़ा और नहीं नहीं, मैं बहुत, मैं ये खत्म करता हूँ पहले। भाई पंकज, थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली फूड। और कोफ्ते बने थे ना आज, वो ऑफिस में भी आने चाहिए। पक्का सर, 100%। और भाभी जी, आई मस्ट से दैट येलो सूट्स यू। थैंक यू, सी यू सून। हां श्योर श्योर। ओके सर। ओके, आइएगा बंसल जी। हाँ, बाकी सर खाना बहुत अच्छा बना था। भाभी जी चलिए, मिलते हैं फिर। ओके सर। ये वो फाइल जो आपने मंगाई थी। बंसल, जरा पंकज को बुलाओ। ओके सर। सर आपने बुलाया? आइए आइए पंकज जी। आजकल आप काम ठीक से नहीं कर रहे। सर मैं, मतलब? मतलब ये कि वर्कलोड ज्यादा है क्या? नहीं सर, कोई वर्कलोड नहीं है। व्हाट्स द मैटर सर? द मैटर इज कि आपको प्रमोशन मिल रहा है। प्रमोशन? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे थैंक यू बाद में। विद प्रमोशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैदराबाद जाना है, क्लाइंट मीटिंग। ओके सर, मैं बंसल से डिटेल ले लेता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कन्नू यार, उस दिन कोफ्ते अच्छे नहीं बने थे क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो बॉस ने मुझे कैबिन पे बुलाया, मेरे ऊपर चिल्लाए, मेरा कॉलर पकड़ा और बोले आज के बाद तुम इस कैबिन में नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन होता है। कन्नू, मेरा प्रमोशन हो गया। वाओ, I'm so happy. Even I'm happy and excited, यार। मजा आ जाएगा, बहुत दिल लगा के काम करूंगा। बट कन्नू, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली मुझे कल हैदराबाद जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बॉस किसी और को नहीं भेज सकते थे क्या? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ भेज सकते थे, बट मैं बेस्ट हूँ ना। नहीं, तुम वैसे भी महीने में 15 दिन बाहर रहते हो। जब भी तुम आउट ऑफ टाउन जाते हो तो मैं कितनी अपसेट हो जाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कन्नू? मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, हम दोनों की बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ज्यादा कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम जल्दी वापस आओगे। I promise you. Promise. सिर्फ 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, तुम बस यहाँ बैठो और हंसती रहो, मैं चाय बना के लाता हूँ। ओके। चलो बाय, अपना ध्यान रखना और थोड़ा मिस करना। बाय, सी यू। बाय। आप इतनी रात को, आप प्लीज जाइए यहां से। देखिए पंकज घर पे नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे बात करनी है आपसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं आपसे कल सुबह बात करती हूँ। तो हम यहीं सो लेते हैं, क्यों? ये क्या बदतमीजी है, अब छोड़ो। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? माय माय, आप तो सुपरस्टार हो मैडम। बट बेबी, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम आने वाले हो। बंदर को भेज देना हैदराबाद नाचने के लिए, फिर कैसे बताना। एनीवे, वो छोड़ो, मूड खराब मत करो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम बेबी।
शादी का बंधन आपसी भरोसे पर टिका होता है और अगर दोनों में से एक भी इसे तोड़ता है तो रिश्ता बिखर जाता है। पंकज को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी कनिका उसे धोखा दे रही है, वो भी उसके बॉस के साथ मिलकर। तो क्या पंकज को कभी इस बात का पता चलेगा? क्या आनंद को इसी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी? यस सर। हाँ बंसल, वो बैग देना। बंसल, मैं जरा बाहर जाकर लौटता हूँ। One for me. All set. Cheers. Oh God. अब कौन है? Hi, मैं pizza. I really appreciate your service. हमेशा time पर. Yeah. कितना हुआ? 650 मैम. Yeah. Okay. Keep the change. No, I've got change. Just a second. Your 50. And your pizza. Thank you. हेलो। हे ब्यूटीफुल। नॉटी बॉस। व्हाट्स अप? क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही थी। ओहो, तुमने याद किया, बस हम चले आते हैं। बी रेडी इन एन आवर, आई बी देयर। ओके। भूत देख लिया क्या? तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ यार, बस काम खत्म हो गया तो मैं निकल आया। तुम ये इतना अलग से ड्रेसअप होके अच्छी लग रही हो, लेकिन कहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं घर पे बैठी हुई थी, अकेले बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा ड्रेसेस ही ट्राई करके देख लेती हूँ ना। तो तुम लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। एनीवेज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम्हारे हाथ की गरम गरम चाय मिलेगी? श्योर, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। हाँ, मैं बैठता हूँ। यस। We'll be right back.
दिस वॉज द रीजन सर, और मैंने उन्हें बोला भी कि अगर हमारी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमें बताइए, बट तब उन्होंने सुना नहीं, और जब प्रेजेंटेशन हुआ तब वो उस बात को समझे। गुड, वेरी गुड। यू नो पंकज, गाइस लाइक यू रन द कंपनी, मैं तो बस एक रबर स्टैंप हूँ। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं। सर ये पार्सल आया। सही बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। लेटेस्ट पिक्चर है, एकदम हॉट। अकेले देखना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। वेल देन, यू कैन गो। क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, ऑल वेल। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। छोड़, ये बता सिनेमा देखा कि नहीं, मजा आया कि नहीं? कौन कौन बोल रहा है? बोल मत, सिर्फ सुन। और हाँ, थोड़ी देर में मैं फिर कॉल करूंगा, तब तक 20 लाख गिन के रख। डिलीवरी कहाँ देनी है मैं बताऊंगा, और पुलिस के पास जाने से पहले ये सोच ले कि ये पिक्चर तुझे कहाँ स्टार और कहाँ विलन बना सकती है। चल अब फोन काट। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्या बात है, सब ठीक तो है? वो सब मैं मिलके बताऊंगी, मुझे अभी मिलो। ओके ओके, कूल डाउन कूल डाउन, मैं अभी आता हूं। ओके व्हाट हैपेंड, सब ठीक तो है? आनंद, आई एम रियली स्कैर्ड, बहुत डर लग रहा है मुझे। ओ कम ऑन, बता तो सही क्या हुआ। वो आज सुबह जब मैं घर पे थी तो कनिका मेहता, आपका कुरियर आया। थैंक यू मैम। क्यों, क्या हुआ? कनिका, मुझे भी सेम पार्सल मिला है। What? Yes. God, आनंद, अब क्या होगा? अगर ये सब पंकज को पता चल गया तो I'll be finished. No, no, no way, no way. देखो, I will manage everything. Don't worry. कैसे कैसे करोगे सब मैनेज? Don't worry, मैंने कहा ना कर लूंगा। Don't worry, I'm there. राजेश बंसल, जो कि आनंद के ऑफिस में ही काम करता था, उसको इस बात की भनक लग चुकी थी। साथ ही पिज्जा डिलीवरी बॉय का इस तरह से कनिका को स्टॉक करना भी चिंताजनक था। फिर एक दिन आनंद और कनिका को ब्लैकमेल किया जाने लगता है, और आनंद ब्लैकमेलर की सारी शर्तें मान लेता है और उसे 20 लाख रुपए दे देता है।
आखिर कौन था इन सबके पीछे? बंसल, पिज्जा बॉय रौनक या फिर कोई और ही? हेलो, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बाहर मार्केट आई थी। ओह दैट्स ग्रेट, ठीक है मैं रेडी रहूंगी, तुम जल्दी आ जाना। ओके बाय, लव यू। आई कांट टेक दिस एनीमोर, ये सब खत्म करना होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। काम डाउन कनिका, बात क्या है, ये हम लोग ऐसे कैसे खत्म कर दें? आनंद प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज मैं मेरे पति को और चीट नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से खत्म होगा सब? नहीं देखो, ये जो भी कर रहा है ना, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, डोंट वरी। नो नो आनंद, आई कांट बेयर इट, ये सब हमें खत्म करना ही होगा। स्टॉप द कार आनंद, आई सेड स्टॉप द कार। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो कनिका, अरे बात तो सुनो। हेलो हेलो हेलो, जाओ ना, मैं कौन सा तुम्हें रोक रही हूँ। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, काम तो करना पड़ेगा ना। हर बार तुम्हारा काम ही होता है, जाओ। तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे जा पाऊँ, और वैसे भी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कोई होनोलुलु नहीं। अब एक प्यारी सी हग दो और मुझे जान दो, पर जल्दी आना। 100% प्रॉमिस, बाय, सी यू। चले जाइए, ये ठीक नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तुम डिसाइड करोगे अभी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। लेकिन मैं दे दूंगा क्लैरिफिकेशन, और वो भी पंकज को। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर पंकज, उसे कुछ मत बताना, अगर बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I show my true colors, okay? Understand? अरे पंकज, oh thank God, तुम्हारा जिक्र किया और तुम आ गए। Actually मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। Actually वो पेमेंट के सिलसिले में खन्ना से नहीं, ओबरा से बात करनी थी, और पहुंचने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है चलता हूँ भाभी जी। क्या हुआ? अरे मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल मिस हो गई, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। हाँ वो मैंने रिसीव तो किया था, बट आई डोंट नो कि क्या हुआ। कनिका तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आपकी फाइल रह गई थी ना, आप वो ले लीजिए, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी ना। ओह यस, ऑलरेडी लेट। Oh, 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 oh
कनिका, कनिका, कनिका कहाँ हो तुम? हेलो, व्हाट? बॉस का मर्डर? कनिका, एक तरफ जहां रौनक बराबर कनिका का पीछा कर रहा था, वहीं लग रहा था कि कनिका को भी समझ में आने लगा था कि वो गलत कर रही है। इसीलिए वो आनंद के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, पर आनंद को इस बात से एतराज था। फिर पंकज के जाने से पहले उसकी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद जब पंकज हैदराबाद से वापस लौटता है, तो लौटते ही उसे सबसे पहली खबर मिलती है कि आनंद का कत्ल हो गया है। फिर उसे पता चलता है कि कनिका भी मिसिंग है। आखिर कनिका कहाँ गई? कहीं पंकज को आनंद और कनिका के बारे में पता तो नहीं चल गया था, जिसके तहत उसने ये साजिश रची हो? फिलहाल पंकज कनिका को खोजने की कोशिश में लगा था। मतलब कब से? जी, 2 दिन पहले मेरी कनिका से बात हुई थी, पर आज सुबह जब मैं घर वापस आया तो वो घर पर नहीं थी। उसका कुछ पता नहीं वो कहां पर है। वैसे मैं जान सकता हूं कि आप अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर कहां गए थे? सर, मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था, हैदराबाद। वैसे कहां काम करते हैं आप? आनंद होटल एंड रिसॉर्ट्स। यू मीन आप आनंद शर्मा की कंपनी में काम करते हैं, जिनका अभी 1 दिन पहले मर्डर हुआ है? जी सर, मैं आज सुबह जब वापस आया तभी मुझे भी पता चला उनकी डेथ के बारे में। अजीब बात है, एक तरफ तो आनंद शर्मा का मर्डर हो जाता है और वहीं आपकी वाइफ मिसिंग हो जाती है। एनीवे, आपकी वाइफ की कोई फोटो लाए हैं? जी जी सर, दिखाइए। ये सर, कनिका। सर, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझे बताइए। डोंट वरी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर, बॉस की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छी थी। ही वॉज अ नाइस मैन। साहब, ये अंदर पार्सल मिला है सब। ये अंदर पार्सल मिला है सब। ओके। वॉचमैन, वॉचमैन अंदर आओ। सत्रह तारीख को आनंद शर्मा के नाम का पार्सल कौन लाया था? ऐसा कोई पार्सल आया नहीं था सर। सोच कर बोलो। उस दिन ड्यूटी में मैं ही था। 17 तारीख को सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। चलो। बंसल, जल्दी से सच सच बता दे सब कुछ, नहीं तो अगर पुलिस का डंडा शुरू हो गया तो बोलने के लायक नहीं रहेगा। बोल। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि रिकॉर्डिंग मैंने की थी। पैसे भी मैंने लिए थे, लेकिन क्या? जल्दी से बोल, जैसे अभी बोल रहा था। बोल। लेकिन इंस्पेक्टर साहब,
ये सब मुझसे कोई करवाता था। कौन करवाता था? बहुत जल्दी। मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल फोन आता था। वो फोन पर जैसा कहता था मैं वैसा ही करता था। सबके लिए मुझे 1,00,000 रुपए मिलने वाले थे। ये तुम्हारे बॉस के लिए और ये तुम्हारे लिए। हेलो, हाँ मैं वहां पहुंच गया हूँ, अब क्या करना है? बस बैग को बेंच से उठाकर सामने खड़ी रेड ऑल्टो की डिक्की में रख दो। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? हेलो सर, हमें एक लाश मिली है, वो भी आधी जली हुई। ओके आप लोग यहाँ कुछ पता चला कनिका का? कहाँ पर है वो? बॉलीवुड फिल्में ज्यादा देखी हैं या एक्टिंग का कोई स्पेशल कोर्स किया है? ये आप क्या बोल रहे हैं? ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है तेरा? वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास ही था, मेरा पता नहीं। महेश लाइसेंस देना। मेरा लाइसेंस आपके पास? सब बताएंगे। आनंद और कनिका के मर्डर में शामिल हैं आप, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। महेश, कनिका का मर्डर? नहीं, पकड़ लगाओ। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पकड़ो उसको, जाने दो भाई, पकड़ो जल्दी। आनंद को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन किसी और के इशारे पर। आखिर वो कौन था जो बंसल के जरिए इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था? तभी कनिका की लाश मिलती है और साथ ही एक सुराग भी, पंकज का ड्राइविंग लाइसेंस। तो क्या इस सब के पीछे पंकज का ही हाथ था? क्या पंकज ने ही अपनी पत्नी और बॉस को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? जिस तरह से वो पुलिस की गिरफ्त से भागा, उससे साफ लग रहा था कि वो फंस चुका है। पर क्या वाकई में यही सच था? अगर नहीं तो वो भागा क्यों? अब पुलिस को सारे सवालों के जवाब उसी से मिलने थे और उसके लिए पंकज का मिलना जरूरी था। वाह भाई पंकज, यू डैम लकी। स्वाद और श्रृंगार दोनों एक साथ। आपको प्रमोशन मिल रहा है। विद प्रमोशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैदराबाद जाना है, क्लाइंट मीटिंग। सर आप यहाँ? अरे पंकज, ओ थैंक गॉड तुम आ गए। एक्चुअली मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। एक्चुअली वो पेमेंट के सिलसिले में खन्ना से नहीं, ओबरा से बात करनी थी। कौन हो सकता है? किसने मर्डर किया होगा? दोनों को कौन मार सकता है? कनिका हमेशा सोशल साइट्स पर, लेकिन सर तो कभी सोशल एप्स यूज ही नहीं करते थे।
लैपटॉप देख लेंगे प्लीज। देखना क्या है, काम बोलो यार। वो एक्चुअली मैंने इसमें पासवर्ड डाला था, भूल गया मैं। 100 रुपये लगेंगे? हाँ हाँ, ये लीजिए। नहीं, वो आपके यहाँ एक डिलीवरी बॉय है ना जो ईदगाह हिल्स में डिलीवरी करता है। कौन, रौनक? हाँ, शायद। सर वो तो छुट्टी पर है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, एक्चुअली उसकी मदर को डायबिटीज है तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट इंजेक्शन मंगवाए थे। अगर आप मुझे उसका एड्रेस दे दें तो मैं उसके घर जाके उसकी मदर को दे दूंगा ताकि वो आज से ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ठीक है सर, एक मिनट रुकिए, मैं एड्रेस चेक कर लेती हूँ। ले लीजिए सर, बैंगलोर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। वेलकम। ऐसा नहीं चाहता था जब मैं और ये स्क्रैप बुक पर चैट ना करें। फिर इसने मुझे बताया कि हमारी लोकेलिटी के पास ही के पिज्जा पार्लर में काम करता है। सर मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। पंकज मोस्टली बिजनेस ट्रिप्स के लिए बाहर ही रहते थे, तो फिर मैं और रौनक। बिजनेस ट्रिप्स के लिए बाहर भेज देते थे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, पर जब मैं रौनक को मिली तो I fell for him completely। मैंने
आनंद को समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें ये रिलेशनशिप खत्म करना होगा, पर सर सर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे बोला कि वो पंकज को सब कुछ बता देगा। सर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब रौनक और मैंने काउंटर प्लान बनाया। हमने डिसाइड किया कि हम आनंद से पैसे वसूलेंगे, उसे ब्लैकमेल करेंगे और फिर कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने बंसल को इस प्लान में इन्वॉल्व किया और उसके थ्रू आनंद से 20 लाख वसूले और हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उसे हटा दिया। अब पंकज को लाइफ से बाहर करना था सर। रौनक ने मोक से एक ऐसी डेड बॉडी का अरेंजमेंट किया जिसे पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। आइडेंटिटी कार्ड, पंकज का ड्राइविंग लाइसेंस सब क्राइम सीन पर ही छोड़ दिया। पंकज पर शक आ जाए। तुम्हारे लिए ये जेल ही सही जगह है। सड़ो यहां पर। तुम प्यार और रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो कनिका। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नफरत। आखिरकार सच सबके सामने आ गया था। रौनक और कनिका ने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, पर वो शायद ये भूल चुके थे कि कानून के हाथ से बचना नामुमकिन है। दोनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी करने के लिए 14-14 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही बंसल को भी 3 साल की सजा मिली। रौनक और कनिका ने प्यार का नाम देकर एक के बाद एक कई गुनाहों को अंजाम दिया और उनके साथ साथ पंकज की जिंदगी भी तबाह हो गई। पंकज को इस सदमे से बाहर निकलने में काफी वक्त लगेगा। आनंद ने अपने सबॉर्डिनेट की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाकर जुर्म को बुलावा दिया था। समाज में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि रिश्तों में भरोसा तो करें लेकिन सावधानी के साथ। आज हमने आपको दिखाई कर्नाटका के बैंगलोर शहर की आपराधिक घटना। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।